गाँव लौटने में दिक्कत आती है, लेकिन एक बार जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे जरूर गाँव में। ये जनरल बिपिन रावत का वो सपना था जो अधूरा रह गया। जनरल रावत उत्तराखंड के इन पहाड़ों के बीच अपने गांव में वापस आना चाहते थे, यहां घर बनाना चाहते थे, अपने गांव, अपने इलाके के बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज खोलना चाहते थे, लेकिन ये सपना अधूरा रह गया। हमारी कोशिश यही है, सरकार के साथ भी, मुख्यमंत्री जी से भी जब मेरी मुलाकात होती है तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि इस इलाके में हमें उच्च शिक्षा की जो सहूलियत है वो प्रदान करनी होगी। अगर यहाँ पे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुलेंगे तो हमारे जो नौजवान हैं यहाँ से पलायन नहीं करेंगे, नहीं रुकेंगे। इस सपने को पूरा करने के लिए हाल में ही जनरल रावत ने देहरादून में अपने घर का भूमि पूजन किया था। घर के निर्माण का कार्य शुरू भी हो चुका था ताकि यहाँ रहकर वो अपने गांव के विकास कार्यों पर नजर रख सकें, लेकिन हेलीकॉप्टर हादसे ने सब कुछ बदल दिया। जनरल रावत जितना देश से प्यार करते थे उतना ही अपने गांव से भी उन्हें लगाव था। राष्ट्र सेवा के दौरान जब भी मौका मिलता वो अपने गांव और रिश्तेदारों से मिलने आ जाया करते थे। ये तस्वीरें दो साल पहले 2019 की है, जब जनरल रावत अपने ननिहाल उत्तरकाशी के थाती गांव आए थे। टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ी पगडंडियों से होते हुए गाँव में हर उस जगह पर गए थे जहाँ से उनकी यादें जुड़ी थी। उत्तरकाशी का थाती गाँव तो पौड़ी जिले का सैंड उनका पैतृक गांव। यहां से उनके बचपन की कई यादें जुड़ी हुई हैं। पढ़ाई और नौकरी के सिलसिले में वो इस गांव में ज्यादा तो नहीं रहे, लेकिन जब भी समय मिला यहां आते रहे। हाँ, 2018 में आए थे वो तब 3-4 घंटे रहे यहां पर, उसके बाद रात को लैंसडाउन में रहे। तब इन्होंने यहां पर मकान बनाने के लिए कहा था अपने लिए, बगल में दरी। और यहाँ पर कहा था कि मैं आता रहूंगा, जाता रहूंगा, सबको प्लान जो यहाँ से बाहर बसे हुए हैं सबको वापस लाऊंगा। रिटायरमेंट के बाद गांव लौटने, घर बनाने का एक खूबसूरत सपना टूट गया, लेकिन जनरल बिपिन रावत के अचानक हुए निधन से गांव वालों का भी एक सपना टूट गया। जनरल रावत ने पिछली यात्रा के दौरान गांव में सड़क बनवाने का वादा किया था। जनरल साहब ने देश के पैसे बचाने के लिए बोला जब मैं रिटायर हूंगा तब बनाऊंगा इसको। अब जनरल साहब तो चले गए, अब ऐसे ही रह जाएगा, कौन बनाएगा। और उस समय अब जनरल साहब बोल देते वहीं से कि बना तो बन जाती। दो साल हो गए सर्वे हुए को जनरल साहब क्या, तो जनरल साहब ने बोला मैं रिटायर आ रहा हूँ, अपने चाचाओं के लिए बोला और तब मैं बनाऊंगा, अपने घर भी बनाऊंगा, सड़क भी बनाऊंगा। तो जनरल साहब तो चले गए, अब कौन बनाए। उत्तराखंड के पैतृक गाँव से लेकर मध्य प्रदेश के शहडोल में भी जनरल रावत के निधन पर एक शोक है। शहडोल के सोहागपुर में जनरल रावत की ससुराल थी। 1985 में यहाँ की एक रियासत के कुंवर मृगेंद्र सिंह की बेटी मधुलिका सिंह से उनकी शादी हुई थी। हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए 13 लोगों में जनरल रावत की पत्नी मधुलिका भी थी। दशहरा का जो पूजा पाठ थी वो हमारी बेटी ने अपने फूफा जी के साथ में अपने घर में उन्होंने किया था, तो तब तो ये मुलाकात बहुत अच्छी थी हम लोग की। उसके बाद बातचीत हुई है हमारी 10 दिन पहले उनसे। उन्होंने कहा था कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 2012 के बाद से नहीं आया हूँ, लेकिन जनवरी 2022 में मैं वादा करता हूँ कि मैं शहडोल आऊंगा। शहडोल आने का बोला था? हाँ, उन्होंने शहडोल आने का, ससुराल मतलब अपने ससुराल आने के लिए जनवरी 2022 में उन्होंने कहा था। जनरल रावत देश की सुरक्षा और सेना के कई अहम मिशन पर काम कर रहे थे। गांव के विकास के लिए भी उनके कई सपने हकीकत में बदलने वाले थे, लेकिन उनका इस तरह जाना सिर्फ अपने गांव परिवार के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उत्तरकाशी से ओमकार भगुड़ा, कोटद्वार से दिलीप सिंह राठौड़ और नेहा बाथम, भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ मंजीत नेगी, आज तक।